सोलन में सुलनी ऑटो रिक्शा यूनियन की कार्यकारिणी के चुनाव करवाए गए, जिसमें केवल 4 पदों के लिए मतदान किया गया। कुल 10 पदों में से प्रधान सहित अन्य 5 निर्विरोध चुने गए, जबकि 4 पदों के लिए मतदान किया गया। सर्वसहमति से दिनेश शर्मा को प्रधान व सीताराम को कैशियर चुना गया था। आज हुए चुनाव में सरबजीत सिंह वरिष्ठ उप प्रधान व अतिरिक्त महासचिव के पद के लिए राजेंद्र कुमार विजय रहे। सुलनी ऑटो रिक्शा यूनियन के सदस्य रवि गुप्ता ने बताया कि यूनियन में कुल 297 मतदाता हैं, जिनमें से 261 मतदाताओं ने भाग लिया। उन्होंने कहा कि 4 पदों के लिए करवाए गए चुनाव शांतिपूर्ण संपन्न हो गए। उन्होंने कहा कि नवगठित कार्यकारिणी का कार्यकाल 2 वर्ष का रहेगा। उन्होंने कहा कि कार्यकारिणी ऑटो रिक्शा चालकों की समस्याओं को प्रशासन के समक्ष उठाएगी और अन्य समस्याओं के समाधान की योजना भी कार्यकारिणी द्वारा बनाई जाएगी। जहां एक और सारा दिन ऑटो चालक अपने चुनावों में मशगूल रहे, वहीं सोलन शहर की जनता को आने जाने के लिए ऑटो उपलब्ध न होने से खासी परेशानी झेलनी पड़ी। सोलनी ऑटो रिक्शा ऑपरेटर यूनियन सोलन के चुनाव आज संपन्न हुए। चुनाव प्रक्रिया 27 तारीख को शुरू की गई थी, जिसमें से 10 में से 6 पद उसी दिन निर्विरोध चुन लिए गए थे, जिसमें प्रधान श्री दिनेश शर्मा व कैशियर श्री सीताराम जो कि निर्विरोध चुने गए थे। और आज जो है 4 पदों के लिए मतदान हुआ, जिसमें वरिष्ठ उप प्रधान श्री सरबजीत सिंह और अतिरिक्त महासचिव श्री राजेंद्र कुमार, संगठन सचिव श्री संजय कुमार और महासचिव श्री दिनेश गौतम चुने गए। वर्तमान कार्यकारिणी का जो कार्यकाल जो है 2 साल है और हमारे 297 वोटर थे, जिसमें 261 मत आज डले। कार्यकारिणी जो भी आने वाली समस्याएं हमारे यूनियन की हैं और सभी के साथ मिलजुल कर उनको निपटाने का कार्य करेंगे। हम सबसे मिलजुल कर प्रशासन से मिलजुल बढ़ाएंगे, ताकि जो है आने वाले समय में कोई दिक्कतें हमारी यूनियन के लोगों के ऊपर न आए।